हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और वेलकम है आपका मेरे चैनल दिव्यास किचन में। आज हम बनाने वाले हैं सूजी से बना हुआ ये नाश्ता। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही क्रंची बनते हैं ये बाइट्स। मैंने इसको सूजी बाइट्स कहा है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रंची हैं, इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। तो देखिए ये कितने क्रिस्पी बाइट्स बनके रेडी हुए हैं। तो ऐसे बाइट्स बनाने के लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है इसमें, झटपट बनने वाला स्नैक्स है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए चलिए देखते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने एक कप पानी डाला है और गैस ऑन कर देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च जो कि मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, और बॉईल किए हुए ये कॉर्न्स हैं, थोड़ी सी गाजर ग्रेट करी हुई, और इसमें डाल रही हूँ येलो और रेड कैप्सिकम, थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब, और नमक डाल रही हूँ इसमें एक छोटा चम्मच, आधा चम्मच के करीब ब्लैक पेपर, और इसमें डाल रही हूँ मैं सूजी। ये नॉर्मल सूजी है, बहुत मोटी वाली सूजी नहीं है, बहुत बारीक वाली सूजी नहीं है, जो हम उपमा के लिए यूज़ करते हैं, रवा उपमा के लिए वही सूजी है। तो इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे, गैस हमारी ऑन है, और इसको मिक्स करके इस तरीके से एक डो हम तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे वैसे ये इतना थिक होता चला जाएगा। देखिए ये इस तरीके से हमारा डो बन के तैयार हो जाएगा। इसको अभी हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक प्लेट में। बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, बहुत जल्दी सूजी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मैदा ली है, 2 चम्मच मैदा में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पतला सा एक बैटर बना लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और ये मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो अभी हमने जो डो बनाया है उसको थोड़ा सा डो लेंगे हाथ में, और अपने पसंद के हिसाब से हम कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं, चाहे आप ओवल शेप दें, चाहे हार्ट शेप दें, या फिर आप स्क्वायर शेप दें। तो मैंने इस तरीके से एक स्क्वायर शेप में इसको बना लिया है, और इसको मैं डिप करूंगी अब जो हमने मैदा का घोल बनाया है उसमें। मैदा के घोल को थोड़ा पतला ही रखें, हमें कोटिंग बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है ऊपर से, और इसके बाद मैं इसको डाल दूंगी ब्रेड क्रम्स में। इस तरीके से अच्छे से इसको रैप कर लेंगे हम, और बाकी के भी सारे हम बाइट्स इसी तरीके से बना के रख लेते हैं। तो ये बाकी के भी सारे बाइट्स हमारे बन के रेडी हैं। अब इनको करते हैं हम डीप फ्राई। तो ऑयल यहाँ पे मेरा मीडियम हाई हॉट मैंने करके रखा हुआ है, इसमें हम सारे बाइट्स डाल देंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। बीच बीच में इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन पे कलर आ गया है। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं, इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है, बिल्कुल ड्राई हमारे बाइट्स बन के रेडी होते हैं। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कितने क्रंची बाइट्स बन के हमारे तैयार हुए हैं इतने कम टाइम में। तो गर्मा गर्म बाइट्स को हम सर्व करेंगे सॉस के साथ, या फिर आप पुदीने धनिये की चटनी के साथ इसे सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।